रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू मटर का पुलाव। आलू मटर का पुलाव हम किस तरह से आसानी से तैयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीली में 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया है और इस ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची, 6 लौंग और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े छोटे बड़े, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते, 2 बादियान के फूल हैं ये छोटे वाले, और ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले मैं इसी में डाल दूँगी और इन मसालों को चटक जाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये 2 अदद दरमियानी प्याज, जो कि मैंने स्लाइस करके ले लिए हैं। प्याज को मुझे हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क लाल नहीं करना है, वरना इससे पुलाव का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, हमें इनको तेज़ कलर नहीं देना है वरना पुलाव बिल्कुल काला हो जाएगा। और अब मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया और 1 टेबलस्पून अदरक लिया। लहसुन और अदरक डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये 3 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने पीस कर लिया है और तकरीबन ये 3 टेबलस्पून है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये थोड़ा सा भुन जाती हैं, उसके बाद जो मैं आगे अज्जा इसमें शामिल करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। लहसुन और अदरक हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, हरी मिर्चें भी इसमें अच्छी पक चुकी हैं, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें ये टमाटर, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 4 अदद लिए हैं और मैंने हरे टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के बाद भी मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा ये पक जाते हैं, तो इनके साथ ही मैं कुछ अज्जा खुश्क इसमें डालूँगी। खुश्क अज्जा में सबसे पहले मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक। ये नमक हम मसाले के मुताबिक डाल रहे हैं और जब चावल ऐड करेंगे तो उसके मुताबिक अलग उसका नमक होगा। और ये 1 टेबलस्पून ही मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये मैं डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है और सौंफ को मैंने कूट लिया है, ये भी इसी में डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। और इन मसालों को भी मैं इसमें अच्छी तरह से पका लूँगी, भून लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 1/2 किलो मटर मैंने लिए थे और इनको छील लिया है, ये मेरे पास हैं 1/2 किलो मटर, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और 1/2 किलो ही मैंने आलू लिए हैं, ये थोड़े 1/2 किलो से कुछ ज़्यादा ही हैं, ये भी मैं इसी में डालकर और थोड़ा सा इनको भून लूँगी। आलू और मटर को मैंने कुछ देर भून लिया है और अब मैं इसमें चावल के मुताबिक पानी डाल दूँगी। ये देखें नाज़िम, पानी में हमारे उबाल आने लग चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 टेबलस्पून नमक, जो कि मैंने मसाले के मुताबिक ही इसमें डाला था, आपको याद होगा। और अब मैंने चावल के मुताबिक इसमें नमक ले लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल, जो कि मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे, ये मेरे चावल हैं 1 किलो। ये देखें नाज़िम, मैंने चावल डाल दिए हैं और बस इसमें उबाल आ जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़िम, हमारे चावलों में आलू मटर के पुलाव में उबाल आ चुका है और कुछ देर में इनको ढककर पकाऊंगी ताकि इसका पानी कुछ कुछ हो जाए। चेक कर लेते हैं नाज़िम जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक रहे हैं, ये बस पानी खुश्क हो जाता है तो मैं इसे दम पर रख दूँगी। ये देखें नाज़िम, पानी हमारा इसमें खुश्क हो चुका है और बस इसे दम लगाना है। उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी ये 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने कट कर लिया है, और ये भी मैं इसमें खुशबू के लिए डाल दूँगी। और बस इसमें दम आ जाता है, नीचे तवा रख कर दूँगी मैं अभी, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके इंशाल्लाह दिखाती हूँ।
ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आलू मटर का पुलाव बिल्कुल तैयार है। और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, और ना पसंद आती हो तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे वही पुरानी गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।